नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांखला आपका फिर से uturndigital यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो सवाल है ये पजल का है, जिसमें आपने देखा होगा जो मैंने पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेजी है। यदि आपको नहीं मिली है या फिर आप उस पेज पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे फेसबुक पेज पे ऐड हो जाएं, उसमें मैंने लिंक शेयर की है तो वहां से आपको जो है लिंक मिल जाएगी फेसबुक से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की। दोस्तों वहां पर जो है हमेशा के मॉर्निंग में मैं पीडीएफ भेजता हूं जिसको आप सॉल्व करते हैं और शाम को जो है वीडियो सॉल्यूशन में उसका आंसर मिलता है। दोस्तों सबसे पहले इस पजल को सॉल्व करते हैं और यहां पे दिया हुआ है कि 8 जो व्यक्ति हैं ये समान वर्ष के 4 विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 2 विभिन्न तारीख को 17 और 28 को लेक्चर में भाग लेते हैं। इसका मतलब यहां पर 8 व्यक्ति यहां पर दे रखे हैं और 8 व्यक्तियों के लिए 2 अलग अलग तारीखें 27 और 28, वो भी 4 महीनों की। इसका मतलब 4 महीनों की 2-2 तारीखें, इसका मतलब 8 तारीखें यहां पर दे रखी हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें दोस्तों, यहां पर तारीख लिख लें और यहां पर सबसे पहले लिखें 17 जनवरी। क्या लिखेंगे दोस्तों? 17 जनवरी। और 17 जनवरी के बाद में आता है दोस्तों 28 जनवरी, और 28 जनवरी के बाद में फिर से आ जाएगा 17 फरवरी। 17 फरवरी के बाद में 28 फरवरी दोस्तों, एंड 28 फरवरी के बाद में फिर से 17 यहां पर मार्च आएगा, एंड फिर 28 मार्च के बाद में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे 17 और वो क्या होगा अप्रैल, और उसके बाद में 28 अप्रैल का यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा। तो दोस्तों आपने यहां पर ये 2 लाइनें पढ़ के आपने ये वाला टेबल बना दिया। अब यहां पर हम पजल बनाने वाले हैं, तो यहां पर 8 तारीखें भी हैं और 8 तारीखों के बाद में 8 यहां पर व्यक्ति दे रखे हैं। तो यहां पर मैं लाइनें खींच लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाइन खींचने के बाद में हम एक एक पॉइंट यहां से पढ़ेंगे और यहां पर पजल बनाते चले जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें। जे जो है एक्स के पहले एक सम तारीख पे भाग लेता है, इसका मतलब यहां पर सबसे पहले जे ऊपर लिखेंगे और एक्स कहीं जो है उसके बाद में कहीं आएगा, और जे के लिए सम तारीख का मतलब 28 ही होनी चाहिए। दोस्तों आपने यहां पर हिंट लिख लिया और ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई के मध्य 2 व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं। दोस्तों एक्स और वाई के मध्य 2 व्यक्ति भाग लेते हैं, तो एक्स पहले या वाई बाद में है या वाई पहले या एक्स बाद में ये कन्फर्म नहीं है, तो मैंने यहां पर ये घूमने वाला साइन लिख दिया कि एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति तो होंगे लेकिन वाई पहले या एक्स ये ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकते हैं। यहां पर भी ये कंफर्म पॉइंट नहीं आया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे यहां पर लिखा है कि जेड जो है सी के पहले के लेक्चर में भाग लेता है, इसका मतलब जेड कहीं ऊपर होगा और सी कहीं पर भी नीचे होगा। ये भी एक फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बोला कि के जो है वाई के बाद लेक्चर में भाग लेता है, तो के यहां पर देखो एक्स और वाई में कंफ्यूजन था लेकिन इसने बोला के वाई के बाद में, तो इसका मतलब के यहां पर लिखेंगे, वाई यहां पर और यहां पर कहीं ये के बाद में ही होगा, मतलब वाई यहां पर तो के यहां पर, वाई यहां पर तो के यहां पर, डाउटफुल केस है। लेकिन आगे इसने बोला कि एक्स उस महीने के लेक्चर में भाग लेता है जिस दिनों की संख्या सबसे कम है। दोस्तों मैं बता दूं कि जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 और अप्रैल में 30। तो सबसे कम दिन जो है यहां पर फरवरी है, इसका मतलब एक्स जो है कहीं फरवरी के महीने में ही यहां पर लेक्चर को अटेंड करेगा, तो एक्स के लिए फरवरी ही होगा। लेकिन यहां पर 17 फरवरी या 28 फरवरी इसमें कंफ्यूजन हुआ, तो थोड़ा सा हम रुक जाते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर एक्स को यदि मैं 17 में लिखता हूं तो वाई 2 छोड़ के ऊपर नहीं आता, यहां पर नीचे आ जाता, लेकिन 28 फरवरी में यदि मैं एक्स लिखता हूं तो वाई ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहां पर क्या लिखा है थोड़ा सा इंतजार करते हैं फिर यहां पर सेट करेंगे। दोस्तों यहां पर लिखा है कि जेड और सी के मध्य 3 व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं। यहां पर इसने बताया कि जेड जो है, पहले तो इसने बता रखा था कि जेड जो है सी के कहीं पहले लेक्चर होगा यहां पर, लेकिन अब इसने बोला कि इसके बीच में 3 लेक्चर होने चाहिए, तो यहां पर इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यहां पर कंफ्यूजन हुआ तो पहले एक्स को ही सेट करेंगे, लेकिन एक्स की यहां पर 2 सिचुएशन है, तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां तक हमने इस पजल को पढ़ लिया है लेकिन एक्स के 2 केस बनेंगे, तो एक काम करते दोनों केस को साथ में लेके चलते हैं, जो सही होगा वो बन जाएगा, नहीं तो जो गलत होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स फरवरी के महीने में ही कहीं आएगा, तो एक्स एक बार मैं काम करता हूं 17 फरवरी में लिखता हूं
और एक्स जो है एक बार मैं 28 फरवरी में यहां पर लिखता हूं दोस्तों। जैसे ही मैंने यहां पर एक्स वाले पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा तो ये पता चलता है कि एक्स और वाई के बीच में दो आएंगे, तो इस केस में एक्स यहां पर लिखते हैं तो दो ऊपर नहीं आते, दो छोड़ के वाई यहां पर ही आ पाता है, लेकिन इस केस में वाई यहां पर भी हो सकता है ऊपर एंड दो छोड़ के नीचे यहां पर भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल केस हुआ। लेकिन एक्स यहां पर सेट करने से इसने बोला कि एक्स के ऊपर कहीं पहले जे हो जाना चाहिए 28 तारीख को, तो यहां पर एक्स है तो जे यहीं पे आएगा, और यदि एक्स यहां पर है तो एक छोड़ के जे 28 तारीख को देन यहीं पे ही आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पे ये वाला पॉइंट और जेड और सी के बीच में तीन व्यक्ति, ये डाउटफुल केस, थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन आगे इसने बोला कि जेड जो है सम संख्या वाली तिथि पर लेक्चर में भाग नहीं लेता है, इसका मतलब जेड के लिए जो है 28 तारीख नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 17 तारीख ही होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसको भी हम देखते चलेंगे। तो जेड के लिए 17 तारीख यहां पर है, तो जेड यहां पर तो तीन छोड़ के यहां पर आता है दोस्तों, सी यहां पर जेड लिखता तो तीन छोड़ के सी यहां पर आता, लेकिन यहां पर जेड लिखता तो तीन छोड़ के सी नीचे भी आ सकता है। दोस्तों आगे लिखा है कि बी जो है उस महीने के लेक्चर में भाग नहीं लेता जिसमें दिनों की संख्या सबसे कम है, इसका मतलब बी जो है यहां पर फरवरी में नहीं आना चाहिए, फरवरी के महीने में नहीं होना चाहिए। और आगे इसने बोला कि वाई जो है बी से पहले लेक्चर में भाग नहीं लेता, इसका मतलब कहीं पर भी वाई जो है बी के पहले नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों एक बात ये तो कन्फर्म हो गई कि यहां पर एक्स है तो वाई यहां पर आ गया, तो बी के पहले यहां पर नहीं, तो इसका मतलब ये वाई जो है बी के बाद में ही आएगा। दोस्तों यहां पर क्या लिखा, वाई जो है बी के पहले लेक्चर में भाग नहीं, तो वाई बी के बाद में, तो अब बी यहां लिखो चलेगा। लेकिन इस केस में जो एक्स और वाई दो छोड़ के आ रहे थे वाई यहां पर, यदि वाई यहां लिख दिया इस केस में सेकंड वाले में, तो यहीं कहीं बी आएगा जो कि वाई बी के पहले हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में वाई यहां पर नहीं आएगा और वाई जो आएगा एक्स और वाई के बीच में दो छोड़ के यहीं पे आएगा, ये कंफर्म हो गया है। अब यहां पर ये वाला केस दोनों में मैंने सेट कर दिया, आगे जब मैं चलूंगा तो इसने बोला था वाई जो है के पहले कहीं आएगा, तो यहां पर आएगा के इस केस में। लेकिन यहां पर डाउट वाला केस है जहां पर हम सेट नहीं कर पाएंगे कि के यहां होगा या यहां पर, तो ये यहां पर नहीं सेट हुआ, तो इसको मैंने कट भी नहीं किया। तो अब आगे बढ़ते हैं, पूरी पजल यहां पर खत्म होगी और जेड और सी के बीच में तीन व्यक्ति यहां पर भाग लेंगे, तो देखते हैं यहां पर कहां आएगा जेड। लेकिन ये कन्फर्म है कि 17 तारीख को ही होना चाहिए। दोस्तों जेड जो 17 है यहां पर सेट करता हूं, तो तीन व्यक्ति छोड़ के यहां पर आता है सी, लेकिन यहां पर 28 तारीख को जेड आएगा नहीं, यहां पर जेड लिख दिया तो तीन छोड़ के नीचे जगह होगी नहीं, तो यहां पर तो जेड आने की सिर्फ एक ही जगह है, वो यहां पर है, और तीन छोड़ के सी यहीं पर आता है। लेकिन इस सिचुएशन में एक दो तीन सी यहां पर भी आ सकता है और जेड यहां पर लिखते हैं, तो एक दो तीन सी यहां पर आने की जगह तो थी लेकिन वाई आने से कैंसिल हो गई, इसका मतलब यहां पर जेड और एक दो तीन यहां पर सी कंफर्म है। तो दोस्तों इसमें से ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला फरवरी एक्स में नहीं एक्स में ही आएगा, ये वाला भी हमने लिख लिया है, जेड 17 तारीख को ही होना चाहिए तो ये भी सेट हो गया आपका, और बी फरवरी के महीने में नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो फरवरी में बी आएगा नहीं, तो यहां पर लिखेंगे। और आपको मालूम है कि 8 व्यक्तियों में इसमें 7 व्यक्ति आ चुके हैं, तो यहां पर आगे के जो एक लास्ट जो बचा है वो कौन सा बचा है, तो आपको मैं बता दूं कि ए व्यक्ति बचा तो वो यहीं पे आएगा। तो ये वाली पजल तो दोस्तों आपकी पूरी सेट हो गई है, लेकिन यहां पर इसमें बी यहां पर आएगा नहीं, तो यहीं के आएगा। लेकिन यहां पर बी और के में कंफ्यूजन होगा कि बी के कहां लिखूं, लेकिन ए यहां पर कंफर्म है। अब पजल ये वाली तो कंफर्म सही बन गई है, लेकिन यहां पर ये डाउट वाला केस है, तो एक काम करते हैं अब इसमें सवालों के ऊपर जाएंगे कि कौन सी सही है। तो दोस्तों यहां पर ये डाउट वाला केस और ये कंफर्म सही, तो आप इसको बिल्कुल सही करेंगे और इसको सही करने पे हमारे नीचे जो 5 सवाल दे रखे हैं उसको सॉल्व करते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों पजल बनाने के बाद में अब हम सवालों की तरफ जा रहे हैं और 5 सवाल देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तब आपके सामने सवाल ये रहे दोस्तों। दोस्तों पहला जो सवाल आपके सामने लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्स और सी के मध्य कितने व्यक्ति लेक्चर में भाग लेते हैं। तो दोस्तों एक्स यहां पर है 28 फरवरी और सी यहां पर 17 फरवरी, तो इसके बीच में कोई तारीख है नहीं, इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर कि कोई भी व्यक्ति यहां पर भाग
नहीं लेता है तो आंसर इसमें ई चला जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि 28 मार्च को लेक्चर में कौन भाग लेता है, तो दोस्तों 28 तारीख ये है और मार्च का महीना ये, तो यहां पर बी होगा, तो इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है कि एक्स के ठीक बाद लेक्चर में भाग कौन लेता है, तो दोस्तों एक्स होता है 28 फरवरी, 28 फरवरी के तुरंत बाद में आती है 17 मार्च, तो यहां पर सी लेता है, तो इसमें विकल्प होगा ए। और यहां पर चौथे सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं, तो एक समूह का निर्माण करते हैं, तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब पांच जो है किसी न किसी वे से चार तो सेम होंगे, एक अलग होगा, तो एक बार देखते हैं कौन कौन है। यहां पर लिखा है जे एक्स ए बी के, तो जे एक्स ए बी के, तो जे एक्स बी के तो 28 तारीख को यहां पर होते हैं, लेकिन ए जो है वो 17 तारीख को होता है यहां पर लेक्चर, तो ए यहां पर अलग होगा, तो इसमें सी विकल्प हम यहां पर लगाएंगे। आगे इसने बोला कि 17 अप्रैल को सेमिनार में कौन भाग लेता है, तो 17 यहां पर है और अप्रैल के महीने में वाई भाग लेता है, तो यहां पर आंसर जो है विकल्प ए। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, आपकी पजल थोड़ी सी यहां पर अच्छी थी, यहां पर 4 महीने और 8 तारीख और 8 व्यक्ति थे, तो आपने पजल को सॉल्व किया बहुत ही आसान, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सॉल्व करें, इसके बाद में आप यहां पर 5 सवालों का आंसर बहुत अच्छी तरीके से यहां पर लगा पाएंगे। अब यहां पर इस पजल के 5 सवालों के बाद में कथन निष्कर्ष के आपको 3 सवाल दे रखे थे, तो 3 सवालों को आप यहां पर देखते हैं दोस्तों। आगे जो कथन निष्कर्ष में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहां पर मैं बता दूं कि नीचे इसमें 3 सवाल दे रखे होंगे, उन तीनों में आपको देखना है कि स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन आपको चेक करना है, यदि आपको पहला सही है तो केवल पहले में लगाएं जिसमें आपको विकल्प इधर उधर ऊपर नीचे कर दिए हैं, यदि केवल पहला ही सही हो तो आप ई लगाना, केवल दूसरा ही सही है तो डी लगाना, तो आप थोड़ा सा इसको विकल्पों का ध्यान रखें, एबीसीडी में ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो पहला सवाल यहां पर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि केवल कुछ आम जूस हैं, तो एक काम करते हैं यहां पर केवल का जो फॉर्म है मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास में ऐसा लिखा आ जाए कि केवल जो है कुछ ए बी है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर केवल कुछ को इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनली ए फ्यू मैंगो आर जूस, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको बनाएंगे दोस्तों कि यहां पर आम बना लो। अब इसने बोला कि केवल कुछ आम जूस हैं, तो यहां पर आप थोड़ा सा जूस सम की तरह यहां पर बनाएंगे कि कुछ आम जूस हैं, लेकिन इसने बोला था केवल कुछ आम जूस हैं, इसका मतलब थोड़े से बाकी के आपको मना किया हुआ है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट इसको मना करके इधर भी क्रॉस भी कर सकते हैं आप, तो ये वाला केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब ये 2 पॉइंट से मिला हुआ है, एक तो कुछ से और एक कुछ नहीं से, तो आप थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपको बन गया। अब इसने बोला कुछ जूस जो है वो ऑरेंज है, तो आप यहां पर ऑरेंज बनाएंगे। इसने बोला कोई भी जूस जो है प्याज नहीं है, तो यहां पर जूस को जो है आप मना करेंगे बिल्कुल, लेकिन इसने बोला कोई भी जूस नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल मतलब पूरा के पूरा यहां पर मना करेंगे, तो ये वाला फिगर जो है आपका स्टैंडर्ड बनेगा। तो यहां पर एक बात सीखने को मिल गई कि केवल कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब वो ये हो गया कि कुछ ए तो बी बनाएंगे लेकिन कुछ मना भी करेंगे यहां पर, क्योंकि केवल कुछ है यहां पर, लेकिन अभी ये इसमें कंफ्यूजन है कि सर इसको तो हम उल्टा पढ़ते हैं सभी बी ए हैं, नहीं दोस्तों केवल ए बी है इसका मतलब होता है सभी बी ए हैं, लेकिन यहां पर केवल कुछ दे रखा है, इसका मतलब ओनली ऑफ यू एंड ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला फिगर आपका बन गया है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। कंक्लूजन यहां पर लिखा है पहला कि सभी ऑरेंज कभी प्याज नहीं हो सकते, दोस्तों सभी ऑरेंज कभी भी प्याज नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि दोस्तों यदि सभी ऑरेंज इधर प्याज में चले गए तो थोड़ा सा यहां पर जूस भी चला जाएगा प्याज में, जो कि गलत हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर इसने बोला कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है दोस्तों, तो पहला कंक्लूजन आपका डेफिनेट राइट में चला जाएगा। इसने बोला नहीं कि है, यहां पर संभावना बोली गई है। आगे यहां पर बोला कि सभी आम प्याज हो सकते हैं, दोस्तों सभी के सभी आम जो है वो यदि प्याज में चले गए तो ये कुछ आम जूस जो है ये भी चला जाएगा,
यदि सभी आम जो है प्याज में चले गए तो कुछ आम का ये वाला भाग जो है वो भी जूस में चला जाएगा जो कि मना किया हुआ था, तो ये वाला ना तो होगा और ना ही कभी पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला भी गलत। तो इसमें आंसर जो है केवल कंक्लूजन पहला ही अनुसरण करेगा दोस्तों, ये सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में यहां पर लिखा है कि केवल केवल चूहे बिल्ली है दोस्तों, केवल चूहे बिल्ली है, तो यहां पर आप यहां पर बनाएंगे सभी बिल्लियां चूहे हैं। क्या बनाएंगे दोस्तों? सभी बिल्लियां चूहे हैं, ये वाला केस आपका बनेगा। केवल का केस आता है तो सभी में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, लेकिन केवल कुछ का केस आता तो उसमें कुछ और कुछ नहीं का केस इंक्लूड करते हैं। यहां पर ये वाला पॉइंट बन गया। आगे लिखा है कुछ चूहे जो है चमगादड़ है, तो यहां पर हम लिखेंगे चमगादड़, यहां पर बना दिया हमने। आगे लिखा हुआ है कि सभी चमगादड़ जो है वो बेड है, तो ये वाला पॉइंट आपका बन चुका है दोस्तों। आगे इसने पहला पॉइंट लिखा है कि कुछ कैट के बेड होने की संभावना है। दोस्तों यहां पर बिल्लिया बोला और यहां पर कैट बोला, मैं बता दूं कि ये इंग्लिश हिंदी में जब ट्रांसफर किया तो थोड़ा सा वहां पे परेशानी हो गई, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, हिंदी में वहां पे बिल्लिया ही लिखा हुआ आएगा। तो यहां पर लिखा है कि कुछ बिल्लिया जो है बेड होने की संभावना है, तो दोस्तों बिल्लिया यहां पर बेड यहां पर अभी तो है नहीं, लेकिन मना भी नहीं किया, तो दोस्तों वो हो भी सकते, नहीं भी संभावना है, तो वो सही है। आगे इसने बोला कि सभी चूहे के चमगादड़ होने की संभावना है। दोस्तों सभी चूहे जो है चमगादड़ में, मैं आपको बता दूं कुछ तो दिए हुए हैं, कुछ चूहे तो चमगादड़ हैं, लेकिन सभी का यहां पर हो भी सकता नहीं भी, लेकिन संभावना बोली तो उसको हम सही करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेवंथ में दोनों ही कंक्लूजन सही है, देन फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आंसर यहां पर लगेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं जो कि सिंपल सवाल है दोस्तों। इसमें लिखा है कि सभी लाल जो हैं वो हरे हैं, तो यहां पर लाल लिखे और सभी के सभी लाल को हरा बोला है, तो आप यहां पर ऐसे ही केस को बनाएंगे। कुछ हरे गुलाबी हैं, तो कुछ का भाग आप यहां पर गुलाबी बनाएं, और आगे इसने बोला कि कोई भी लाल सफेद नहीं है, तो इसको लाल को यहां पर सफेद होने के लिए मना करते हैं, तो ये वाला केस बनेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कोई भी लाल यहां पर सफेद नहीं है, तो इसका मतलब इतने सारे हरे में कुछ हरे सफेद नहीं है, बाकी के कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब कुछ हरे ये वाले जो लाल हैं वो सफेद नहीं है, इसका मतलब सभी के सभी हरे कभी भी सफेद नहीं हो पाएंगे, और ये संभावना भी नहीं है, लेकिन कुछ हो सकते हैं, लेकिन सभी हरे जो है कभी भी सफेद में नहीं जाएंगे। तो इसने बोला कुछ पिंक सफेद नहीं है, दोस्तों पिंक और गुलाबी में कंफ्यूज नहीं हो, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर लिखा है कुछ पिंक मतलब गुलाबी, कुछ गुलाबी सफेद नहीं है। दोस्तों यहां पर गुलाबी है और यहां पर सफेद है, और दोनों ही दूर दूर है, दोनों में क्रॉस नहीं आया, ये क्रॉस यहां तक है, इसका मतलब सफेद और गुलाबी का कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब ये अनसर्टेन है, ये हो भी सकता नहीं भी, ये संभावना है। लेकिन इसने बोला कुछ पिंक सफेद नहीं है, दोस्तों उसके लिए क्रॉस आना चाहिए दोनों के बीच में, जैसे यहां पर आया, तो इधर अनसर्टेन है, तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन इसने बोला कुछ हरे सफेद नहीं है, तो देखो दोस्तों इतने सारे हरे में ये वाले जो हरे हैं इसमें नीचे वाले ये वाले हरे और सफेद में क्रॉस आ गया, तो कुछ हरे ये वाले सफेद नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो सही हुआ वो सेकंड कंक्लूजन आपका सही हुआ है। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष का टॉपिक मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं पूरा बेसिक से, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो सर यहां पर ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा, इसका स्टैंडर्ड फिगर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद में कंक्लूजन चेक करना, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउटफुल केस रहता है, तो कोई बात नहीं, जल्दी हम यहां पर पूरा वीडियो लेक्चर आपके सामने लाइव क्लास लेके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और टेंथ जो है डायरेक्शन सेंस का है, तो उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस सवाल में डायरेक्शन सेंस में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता है, तो आप सबसे पहले यहां पर एक डायरेक्शन सेंस का स्टैंडर्ड फिगर बना ले। स्टैंडर्ड फिगर में हमको मालूम है कि ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, और ये उत्तर होता है दोस्तों, और ये दक्षिण होता है। तो यहां पर बोला कि एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता, अब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर ये है, तो यहां पर हम जी लिख देंगे दोस्तों, और इसने बोला कि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो यहां से ऊपर हम उत्तर में 10 यहां पर मीटर आ गए हैं, और इसने बोला कि एच पर पहुंचेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका एच होगा दोस्तों। आगे बोला कि यहां पर बिंदु एच से वह पूर्व दिशा में, अब एच का ये पूर्व है तो इधर जाएगा दोस्तों, और इसने बोला 7 मीटर चलने के बाद वो के पे पहुंचेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका के हो जाएगा दोस्तों। आगे इसने बोला कि बिंदु के से वह 6 मीटर दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण मतलब नीचे,
तो दोस्तों ये 10 है तो 6 तो इतना ही होगा, तो यहां पर मैं 6 लिखता हूं और 6 के बाद में इसने बोला कि यहां पर वो y पे पहुंचेगा, तो यहां पर y आ जाएगा दोस्तों। y पे आने के बाद में उसने बोला कि वो दाहिनी ओर मुड़ता है। दोस्तों जब वो k से y आया तो उसका चेहरा नीचे आया दक्षिण में, तो ये इसका बाया हुआ लेफ्ट और ये इसका हुआ दोस्तों दाहिनी ओर। अब इसने बोला दाहिनी ओर, तो ये इसका मतलब ये इधर की तरफ आएगा पश्चिम में, तो पश्चिम में आएगा। तो इसने बोला बी पर पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है, तो दोस्तों ये 7 है तो यहां पर हो जाएगा ये 4 और ये पहुंचेगा दोस्तों बी पर। अब इसने बोला कि बिंदु बी से पहुंचने के बाद में वो दक्षिण दिशा में चलता है, बी का ये पूर्व वाई की तरफ, बी का आगे जाओगे तो पश्चिम, बी का उत्तर ऊपर होगा, देन दक्षिण तो नीचे आएगा। इसने बोला दक्षिण दिशा में चला तो इसका मतलब वो नीचे चला, लेकिन इसने बोला कि बिंदु एम पर पहुंचेगा जो बिंदु जी के पूर्व में है। दोस्तों एम के नीचे यहां पर, बी के नीचे से यहां पर आएगा, एम पे पहुंचेगा, लेकिन जी के पूर्व में तो उधर है, तो इसका मतलब वो यहां पर इस लाइन पे आके रह जाएगा। तो दोस्तों ये 10 ऊपर गया था, 6 नीचे, तो यहां पर 4 नीचे आया यहां से बी से एम। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि यहां पर ये 7 था, तो ये डिस्टेंस 7 के बाद में ये कितनी बची है, 3 बची हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यहां पर है दोस्तों कि बिंदु बी एम के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। दोस्तों बी और एम के बीच मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पर सॉल्व करते हुए कि 10 एच के पास में गए, फिर के से वाई 6 नीचे आए, तो 10 में से 6 तो यहां पर 4 है, तो इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा है कि यदि बिंदु एस बिंदु एम के पूर्व दिशा में 5 मीटर दूर हो, तो दोस्तों एम यहां पर है, पूर्व इधर होगा 5 मीटर बोला, तो ये तो है वाई के नीचे यहां तक 4 और एक तो यहां पर कहीं पर भी यहां पर एस होगा जो कि 5 मीटर दूर होगा दोस्तों। और इसने बोला कि बिंदु के सो है, के संदर्भ में एस किस दिशा में दिखेगा। दोस्तों के संदर्भ में पूछा है, मतलब के से आपको देखना है, तो दोस्तों के पे आप बड़ा सा यहां पर प्लस बना लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि के का ये पूर्व दिशा होता है और के का ये दक्षिण दिशा है, तो के संदर्भ में एस जो है इधर नजर आएगा, इसका मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो आंसर होगा दोस्तों इसमें भी सी। तो दोनों में सी आपका आंसर है, इसमें 4 मीटर और इसमें दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर अगले सवाल में लिखा है कि 5 व्यक्ति हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं, एस टी और पी से छोटा है। दोस्तों एस अगर टी और पी से छोटा है तो ये वाला केस भी हो सकता है, और एस टी और पी से छोटा है तो ये वाला केस भी हो सकता है, दोनों में डाउटफुल केस है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। दोस्तों आगे इसने बोला कि क्यू जो है टी से लंबा है जो पी से लंबा नहीं है। दोस्तों जो आता है जिसकी बात नहीं होती है, तो क्यू टी से लंबा है तो क्यू को कहीं ऊपर लिखें टी से, जो व्यक्ति लंबा उसको ऊपर, जो छोटा उसको नीचे, तो क्यू जो है टी से लंबा है, तो इसमें क्यू की बात हो गई है, टी की बात नहीं हुई है, तो यहां पर टी के लिए आया है कि टी जो है पी से लंबा नहीं है, इसका मतलब टी जो है वो पी से कहीं छोटा है। दोस्तों यदि टी जो है पी से छोटा है तो फिर ये वाला केस ही तो सही है, इसका मतलब ये वाला केस आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो यहां पर ये वाला केस हमने बनाया और ये वाला केस भी आपका रह गया, इसका मतलब ये दोस्तों इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहां पर क्यू टी के तुरंत ऊपर होगा या टी के तुरंत ऊपर पी या एस, ये तो मैंने लिखा है, मतलब ये होना चाहिए टी के कहीं ऊपर पी हो, टी के कहीं नीचे एस हो। अब आगे इसने बोला कि क्यू केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। दोस्तों 5 व्यक्ति यहां पर है जो कि मैं यहां पर बना लेता हूं, 5 व्यक्तियों में इसने बोला कि क्यू केवल 2 व्यक्तियों से ही लंबा है, इसका मतलब बाकी सबसे वो छोटा है, तो क्यू यहां पर ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्यू यहां पर लिखा क्योंकि 2 व्यक्तियों से ही बड़ा है। आगे इसने बोला पी सबसे लंबा नहीं है, तो दोस्तों पी सबसे लंबा नहीं है और यहां पर लिखना भी जरूरी है पीटीएस, तो पीटीएस यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर पी लिखा तो यहां पर सबसे लंबा व्यक्ति हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा पी, और यहां पर पी इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर लिख दे तो पी टीएस नहीं आएगा, तो यहां पर टी और यहां पर एस आएगा। अब 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति मैंने यहां पर लिख लिए हैं, तो 1 व्यक्ति बच गया, जो बच गया उसका नाम आर है, तो यहां पर लिख देंगे सबसे लंबा व्यक्ति यहां पर आर आ चुका है, लेकिन इसने बोला दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है, तो दोस्तों दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति यहां पर कौन है, वो पी आपको मिलेगा, इसका मतलब आपका विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जैसा बोला जाए वैसा केस बनाते चले जाएं, आप थोड़ा सा यहां पर केवल लिखा हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, यदि आपने इसका ध्यान रखा तो आपका पजल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें और 13वें की तरफ।
दोस्तों अगले सवाल में यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं और यहां पर परिवार में पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, इसका मतलब 3 तो मेल होंगे और यहां पर 3 फीमेल होगी। यहां पर पहला ही पॉइंट है कि जे एम का बेटा है। दोस्तों आपको बताया कि बेटा जो है रक्त संबंध में आपको पढ़ा रखा है, वीडियो आपको दे रखे हैं, यहां पर यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाए उसमें मिल जाएंगे। जे एम का बेटा है तो जे कहीं नीचे लिखे दोस्तों, और एम का बेटा है तो जे पुरुष हुआ है, और एम का बेटा है तो एम माता भी हो सकती है और पिता भी, ये कंफर्म नहीं है। आगे इसने बोला कि एन जो है जे की बेटी है। दोस्तों एन यदि जे की बेटी है तो एन फीमेल हो गई है, और जे की बेटी है तो जे के कहीं नीचे आएगी, ये कंफर्म हो गया है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट आपका बन गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे इसने बोला कि के जो है एल की संतान है जो एन की माता है। दोस्तों यहां पर जो आता है जिसकी बात नहीं होती है, के एल की संतान है तो वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, तो जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन एल की संतान है तो एल उसके माता या पिता, उनका भी जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आया है यहां पर एल के लिए, और एल जो है एन की माता है। दोस्तों एल अगर एन की माता है तो वो महिला तो होगी ही होगी, और यदि एन की माता है तो, और एन जो है वहां पर उसका बेटा या बेटी, इसका मतलब के का जो है या तो भाई या बहन होगा दोस्तों, यहां पर कंफर्म नहीं है। तो के एल की संतान है तो बेटा बेटी मालूम नहीं, लेकिन एल जो है एन की माता है तो वो जो है एन उसका बेटा या बेटी, ये डाउटफुल केस हो गया है दोस्तों। यहां पर मैं बता दूं कि एक यहां पर लिखा है कि एन का भाई के या बहन है यहां पर के, लेकिन यहां पर एन जो है पहले से यहां पर फीमेल है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हम यहां पर जोड़ सकते हैं। यहां पर जब हम जोड़ने के लिए गए तो ये वाला पॉइंट दोनों जुड़ के कैसे बना, तो पहले तो यहां पर हम लिख देते एम जे उसका बेटा, और जे के नीचे एन जे की बेटी। अब एल जो है वो फीमेल है और के और एन की माता है, तो दोस्तों के और एन भाई बहन है आपस में, और यहां पर जो है के की माता एल है। दोस्तों इन दोनों के पिताजी जे तो हो गए, दोस्तों इन दोनों के पिताजी जे हो गए, इन दोनों की माता एल, इसका मतलब जे और एल की शादी हो रखी है और ये फीमेल हो गई दोस्तों। आगे इसने बोला था कि ओ जो है के की पैटर्नल दादी है। दोस्तों पैटर्नल दादी का मतलब दादी ही होता है, मैटर्नल यहां पर होता तो वो नानी होता, तो ओ जो है के की दादी है। दोस्तों के की दादी है उसका मतलब पिताजी की माता है, तो के यहां पर इसके माता पिता ये, तो ये इन दोनों की संतान है, तो यहां पर ओ के की दादी तभी होगी जब के की पिताजी की यहां पर माता होगी, तो के की पिताजी की माता यहां पर एम की पत्नी हुई, तो ओ यहां पर ये फीमेल दादी है, तो ये पति पत्नी में ये पुरुष हो गया है दोस्तों। तो ये वाला जो यहां पर वेन डायग्राम बनेगा ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन एक बात इसमें ये है कि 3 मेल और 3 फीमेल होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो 3 महिलाएं आ चुकी हैं जहां पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये के जो है ये पुरुष होगा, जो जे की जे और एल का बेटा होगा दोस्तों। यहां पर 12वां सवाल लिखा हुआ है कि ओ जो है एल से किस प्रकार संबंधित है, एल से पूछा है तो आपको एल से ही रवाना होना है। एल का ये देखा तो ध्यान से डबल लाइन में ये जे पति है, दोस्तों एल का जे पति है और पति के ये माता पिता है, इसका मतलब एल का जे पति हुआ और पति की ये मां हुई, इसका मतलब ये तो सास हो गई है, और सास को इंग्लिश में लिखा है दोस्तों यहां पर मदर इन लॉ, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें दोस्तों, यहां पर मदर इन लॉ का मतलब सास ही होता है। अगला सवाल यहां पर है कि के जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों एम से पूछा है तो आप एम से रवाना होंगे, और एम से जब रवाना हुए तो पता चला कि एम के नीचे जे उसका बेटा है, और बेटे की ये संतान में ये पुरुष तो बेटा हुआ, मतलब बेटे का बेटा जो होता है दोस्तों वो पोता होता है, और यहां पर डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए। दोस्तों आगे का जो सवाल है आपके सामने है, और इसमें लिखा है कि 6 मित्र आपके सामने लिखे हुए हैं, और प्रत्येक को परीक्षा में विभिन्न अंक प्राप्त हुए हैं। यहां पर ई को 1 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर एक काम करते हैं, जो अधिक है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो कम है उसको हम नीचे लिखेंगे। यहां पर लिखा कि ई को 1 से अधिक है तो इसको कहीं ऊपर लिखेंगे, सी को एफ से अंक कम प्राप्त हुए हैं तो सी को दोस्तों एफ से कहीं हम यहां पर नीचे लिखेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि 3 से अधिक को बी से कम अंक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहां पर 6 है तो यहां पर मैं 6 सर्कल बना लेता हूं। 6 सर्कल बनाने के बाद में हमको यहां पर लिखा हुआ था
कि 3 से अधिक को 20 से कम अंक प्राप्त होते हैं, 3 से अधिक का मतलब 4 या 5, तो यहां पर 3 से अधिक को 20 से कम, तो यहां पर 4 भी हो सकते हैं 5 भी, तो दो केस बनेंगे दोस्तों। तो यहां पर क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, 3 से अधिक को 20 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों यहां पर अपन बी को यहां पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से अधिक 4 है या 3 से अधिक 5 भी, तो बी यहां पर भी हो सकता है दोस्तों। तो यहां पर दो केस बन गए हैं, जैसे ही दो केस बने तो यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो अभी साइड में ही, तो इसको बाद में देखेंगे। आगे इसने बोला कि ई को सी से अधिक अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों यदि ई को सी से अधिक अंक प्राप्त नहीं हुए तो ई को जो है सी से कई कम अंक ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यदि ई जो है यहां पर सी के नीचे और ई के नीचे पहले से ए बताया है, इसका मतलब यहां पर कहीं ए होगा। तो यदि मैं यहां पर सेट करूं तो इधर भी हो सकता है और इधर भी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं, दोस्तों इसका मतलब ए यहां पर ये चारों यहां पर सेट करता तो यहां पर ए आ जाता, इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एफ लिखते हैं, यहां पर सी, यहां पर ई और यहां पर ए, नीचे लिखते तो ए सबसे नीचे आ जाता, जो कि इसने बोला है कि कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं सबसे कम। तो यहां पर भी हम लिख सकते थे सबसे नीचे एफ सी ई ए, ए सबसे नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे एफ, यहां पर लिखेंगे दोस्तों सी, यहां पर ई और यहां पर ए लिखेंगे दोस्तों। यहां पर आपको मालूम है कि 6 व्यक्ति दे रखे थे और 6 में से यहां पर 5 व्यक्ति सेट हो गए, तो एक व्यक्ति का नाम यहां पर बच गया। जब आप यहां पर नाम देखेंगे तो कौन सा बच गया दोस्तों, तो आपको दिखेगा दोस्तों डी, तो यहां पर आप डी लिख देंगे तो यहां पर ये सेट हो गया। लेकिन जैसे ही डी लिखा तो यहां पर दो केस बन गए दोस्तों। अगली लाइन में यहां पर बोला कि एफ के अधिकतम अंक प्राप्त नहीं होते हैं, इसका मतलब एफ सबसे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो ये वाला केस गलत हो गया और आपका ये वाला केस जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो गया है। आगे जैसे ही लाइन पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि वह व्यक्ति जो दूसरे सबसे सबसे अंक प्राप्त, दोस्तों सबसे यहां पर गलत है, यहां पर आप लिख देना कम, सबसे कम दूसरा जो व्यक्ति है जिसके अंक प्राप्त हुए हैं वो 60 अंक, तो सबसे कम ए है, तो ए के दोस्तों यहां पर 60 है, यहां पर गलत हो गया, सबसे सबसे नहीं है, सबसे कम अंक जो प्राप्त हुए हैं दूसरा व्यक्ति तो वो है ए, और ए के 60 अंक यहां पर प्राप्त, तो मैंने यहां पर लिख लिया है। तो अब सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा था कि कौन सा व्यक्ति है जिसके चौथे सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ है, दोस्तों बी सबसे ज्यादा अंक, उसके बाद में सेकेंड एफ है, उसके बाद तीसरा सी है, तो चौथा यहां पर ई है, तो आपका आंसर दोस्तों सी विकल्प होगा जिसमें ई लिखा हुआ है। अब अगला जो सवाल है इसमें बोला कि सी को यदि 80 अंक प्राप्त होते हैं, कंडीशन है, तो यहां पर लिख देते हैं 80, तो सी 80 हो गया, ए पहले से 60 है, तो इसका मतलब ई के कहीं बीच में ही होगा। तो इसने बोला ई के कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, दोस्तों सकते यहां पर संभावना को शो करता है, कन्फर्म नहीं पूछा है, बोला कौन सा हो सकता है, तो ये तो कन्फर्म है कि 60 से अधिक और 80 से कम, 60 से अधिक और 80 से कम, इसका मतलब या तो होंगे दोस्तों 63 या फिर हो सकते हैं दोस्तों बी 70, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों या तो ए होगा या फिर बी, इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा वो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप ये मत बोलना कि सर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर कंफर्म नहीं पूछा, इसने बोला कौन सा हो सकते हैं, संभावना पूछी है दोस्तों, और संभावना में 60 से अधिक और 80 के नीचे कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब या तो 63 होगा या 70 होगा, इसका मतलब या तो ए होगा या बी विकल्प, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 15 सवाल आपको मिल चुके हैं, ये 15 सवाल वही है जो कि मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको पहले से ही पीडीएफ भेज देता हूं, तो दोस्तों आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व करें, उसको समझें और फिर शाम को आंसर उसको देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे ही तैयारी करते रहे दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि समय तो लगेगा लेकिन आपको मंजिल जो है आपकी, आपका जो सिलेक्शन करवाना है वो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन हम यदि कंटिन्यू पढ़ेंगे तो सर हम अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।